नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पे कभी भी मृत्यु नहीं हुई होगी। हर घर में कोई ना कोई कभी ना कभी किसी की मृत्यु हुई है, कोई ना कोई ये संसार छोड़कर ज़रूर गया है और इसी के कारण इसका नाम मृत्यु लोक रखा गया। तो ये जो धरती है, मृत्यु लोक है, इसमें बहुत वेदना और कष्ट होता है कि जब कोई खासकर अपना बहुत क्लोज, अपना बहुत अजीज चला जाता है ये दुनिया छोड़कर। और ये दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब कोई बहुत असमय चला जाता है, बहुत यंग कोई चेतना चली जाती है, अभी ज़्यादा जिसकी उम्र नहीं होती वो लोग चले जाते हैं। और मुझे बहुत कॉल्स आती हैं उन माँ बाप की जिनके बहुत छोटे छोटे यंग बच्चे चले गए हैं, छोटी उम्रों में ही चले गए हैं। और देखिए, इन वीडियोस का बनाने का उद्देश्य तो हमारा हमेशा यही रहता है कि आप लोगों का जो दुख है वो हम उसमें हम साझेदारी करें और कोशिश करें कि कोई दिशा आपकी ज़िंदगी को हम दें जिस वजह से वो ज़िंदगी संभले। खासकर जिन लोगों के घर में ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई है, ऐसी कोई दुख वाली घड़ी बीती है यहाँ पर, तो पूरा हमारा उद्देश्य यही रहता है। और उन माँ बाप के जिनके कॉल्स आते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे चले गए, वो सुनकर बड़ी ही पीड़ा और वेदना भी होती है। लेकिन मेरी सबको फिर एक ही डायरेक्शन, एक ही निर्देश रहता है कि यदि आपकी उम्र इस तरीके से है कि आप दोबारा भी बच्चा प्लान कर सकते हैं और साथ में मेडिकल गाइडेंस ज़रूर लें, यदि डॉक्टर भी हामी भरता है कि प्लान आप कर सकते हैं बच्चा दोबारा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। और अक्सर माँ बाप का ये गाहट होता है कि क्या हम जो हमारा बच्चा गया वही वापस आ सकता है, वही उसी की चेतना वापस आ सकती है घर में। तो देखो, इस चीज़ की काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम नकार नहीं सकते, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन बच्चों के केस में ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसलिए होती है, और इस केस में हमने ना एक वीडियो भी बनाया था, अंते या मति है सह गति है। अंत समय में मनुष्य की जैसी मति होती है, यानी कि जहाँ उसका ध्यान केंद्रित होता है, जहाँ उसका ध्यान लगा होता है, वहीं उसको उसी तरह उसकी चेतना चली जाती है, उसी तरीके से उसको अगला जन्म उसका मिल जाता है उसको। तो अंत समय में जैसी मनुष्य की मति बनी रहती है वैसी उसकी अगली योनि उसको प्राप्त होती है। और बच्चे छोटे से होते हैं, बिल्कुल सरल से होते हैं, सर हम्बल होते हैं, बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, तो छल कपट से एकदम दूर। तो उनकी मति तो अपने या तो माँ बाप में लगी रहती है हमेशा, या अपने घर में लगी रहती है, या उनकी घर में जो उनकी चीज़ें खिलौने हो गए और चीज़ें हो गई, तो या मोटा मोटा कहने का तात्पर्य है कि या तो अपने माँ बाप में लगी रहती है या घर में लगी रहती है। तो अंत समय में यदि मनुष्य की मति जहाँ भी लगी रहेगी वो उस तरफ वो प्रेरित हो जाएगा। तो यदि आगे जाके माँ बाप बच्चा दोबारा से एक बार प्लान करते हैं जो खो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी उम्र भी है यदि उनकी, और डॉक्टर भी गाइडेंस ऐसी दे सकता है कि हाँ आप कर सकते हैं, तो बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि जो चेतना, जो बच्चा जा चुका है वही वापस दोबारा उस घर में दूसरे बच्चे के रूप में जन्म ले सकता है। तो इसको हम नकार नहीं सकते। यदि गर्भ की व्यवस्था है, कोख की व्यवस्था है, यानी कि वूम अवेलेबल है वहाँ पर जन्म लेने का, माँ बाप हैं वहाँ पर जो ये चीज़ स्थूल आयाम में ला सकते हैं, यानी कि फिजिकली मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, तो उस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। और कुछ दंपतियों के ऐसे भी मुझे फ़ोन आए हैं जो बच्चे पहले खो चुके थे और उन्होंने हमारे वीडियोस देखे और दोबारा प्लान किया, तो परमात्मा ने दोबारा उनकी सुनी और उनकी खुशियां दोबारा उनको लौटा दी। तो ये चीज़ होती है। और कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि दोबारा पॉसिबिलिटी नहीं होती जहाँ पर प्लान करने की, तो वहाँ फिर यदि एक चीज़ ध्यान रखो कि आप किसी चेतना से दिए दिल से कनेक्टेड हैं, तो किसी ना किसी रूप में दोबारा ईश्वर आपकी सुनेगा ज़रूर, उसको कहीं ना कहीं आपसे मिलवाएगा ज़रूर। और क्योंकि ये मनुष्य योनि की जो हमारा मेन ध्येय है, मेन उद्देश्य इसका मनुष्य योनि का, वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक ये साइकिल चलती रहती है। और हमेशा हमारा और मेरा भी ये सुझाव रहता है कि पहली कोशिश तो हमारी यही रहती है कि इन बंधनों से दूर हो। लेकिन कई लोगों के घरों में जब ऐसी ट्रेजेडी होती है तो उनकी लाइफ बहुत, मैं क्या कहूँगा, एकदम पटरी से उतर जाती है, बहुत हिलडुल जाती है, पूरी एकदम तबाही की ओर चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो संभालने के लिए हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं ताकि उनको एक निर्देश मिले दिशा का। तो दिशा निर्देश मिलेगा तो उनकी लाइफ फिर आगे से दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आज ये जो वीडियो बनाया होगा इसका आपको ध्येय भी और उद्देश्य भी समझ आ गया होगा। पर आत्मा से रिलेटेड हम क्यों वीडियोज़ बनाते हैं वो उसका भी आपको ज़रूर ये हमारा लक्ष्य समझ आ गया होगा।
आप लोगों के दुख में साझेदारी करना और एक दिशा निर्देश देना ही इसका एकमात्र लक्ष्य है। जो आत्मा से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनका यही उद्देश्य रहता है और कोई भी उद्देश्य नहीं होता। और जब मुझे दोबारा से फ़ोन आते हैं कि हाँ हमारा कोई अपना वापस जन्म ले लिया है हमारे घर में खुशी लौट आई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो हमारे साथ हमेशा बने रहिए। और इसी के साथ ही अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।